नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक होंगे इसी आशा के साथ में आज का हम टॉपिक प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आपके जो नेट और सेट में जो आपको टॉपिक दे रखा है उसमें आपको ये बिंदु दे रखा है भ्रंशन या फॉल्टिंग, और ये आपको टॉपिक दे रखा है अर्थ मूवमेंट यानी भू संचलन के अंतर्गत। इनको इन पॉइंटों को आपको पढ़ना है, क्योंकि भू संचलन के अंतर्गत ये जो फॉल्टिंग की क्रिया है ये इसके अंतर्गत आती है, और इससे किस किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, ये इन सभी बातों को लेकर के आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु यही रहेगा अपनी क्लास का आज। अब है आपके यहाँ भ्रंशन या फॉल्टिंग। पहले तो आपको ये देखना है कि भ्रंशन या फॉल्टिंग होता क्या है। देखिए, ये मुख्य रूप से अंतर्जात बल होते हैं, और अंतर्जात बलों की वजह से इस प्रकार का प्रोसेस होता है, चट्टानों पे लगता है। तो यहाँ देखिए, अंतरजात बल के कारण, ठीक है, अंतरजात बल पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, भूपृष्ठ की चट्टानों में जो ऊपरी भाग है, भूपृष्ठ जो है उसकी जो चट्टान है उसमें क्या होता है, दरार का निर्माण हो जाता है या हो सकता है। किसकी वजह से होता है? अंतरजात बल की वजह से। किसमें होता है? भूपृष्ठ की चट्टानों में दरार का निर्माण हो सकता है, और वो ही जैसे ही ऐसी दरारों को विभंग क्या कहते हैं, ऐसी दरारों को क्या कहा जाता है, विभंग, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्जात बल के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में जब दरार का निर्माण हो जाता है या हो सकता है, क्योंकि उनकी इस बल की वजह से होता है, तो ऐसी दरारों को हम सिर्फ विभंग कहते हैं। यहां तक तो थी बात एक दरार की, एक विभंग की, कि अंतर्जात बल लगता है, चट्टाने हैं ऊपरी, उनमें दरार आती है, और उन्हीं दरारों को विभंग या फ्रैक्चर आप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यह फॉल्टिंग नहीं आया, भ्रंशन नहीं आया है, अभी दरार ही आई है। ऐसा विभंग यानी कि ऐसी दरार जिसमें चट्टाने टूटकर, यानी कि जब दरार आती है वो विभंग होती है, तो वहां क्या होता है, वहां जिसमें चट्टान टूटकर एक तल के सहारे, एक तल के सहारे स्थानांतरित हो जाती है, क्या कहलाता है, भ्रंशन। अब बात आती है भ्रंशन या भ्रंश। बल लगा चट्टानों में, फ्रैक्चर आया, और उस फ्रैक्चर के एक तल के सहारे जब एक भाग स्थानांतरित हो जाता है उसे आप क्या कहोगे, भ्रंशन कहोगे, ठीक है। अब बात आती है भ्रंशन के प्रकार। भ्रंशन दो प्रकार के हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के भ्रंशन हैं। एक है आपका सामान्य भ्रंशन, इन दोनों में अंतर है, ये बिल्कुल आपको देखना है। दूसरा है उत्क्रम भ्रंश। तो पहले हम सामान्य भ्रंश के बारे में बात कर लेते हैं कि सामान्य भ्रंश की विशेषता क्या है। देखिए, इस सामान्य भ्रंश का जो निर्माण ना, वो तनाव बल के कारण होता है। किस बल के कारण होता है? तनाव बल के कारण होता है। तनाव बल लगता है तो विपरीत दिशा में लगता है, अपने किसी चीज को पकड़ के खींचते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, बीच से टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग भी हो जाता है। भूखंड क्या करते हैं, विपरीत दिशा में खिसकते हैं। किसकी बल की वजह से? तनाव बल की वजह से भूखंड विपरीत दिशा में खिसकते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो एक खंड नीचे की ओर गिर जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर। इस भ्रंश से भूपटल में क्या होता है, प्रसार होता है। भूपटल में क्या होता है? प्रसार होता है। अब ठीक इसके विपरीत हम उत्क्रम भ्रंश की बात कर लें, उल्टा ही है, नाम ही उत्क्रम भ्रंश है तो उल्टा है, बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो भ्रंश है ना, भिचाव के कारण निर्मित होता है। जब कोई चीज को अपने यूं एकदम से मोड़ करके यूं करते हैं, कट फेंक जाता है, निर्मित होता है भिचाव के कारण से। उत्क्रम भ्रंश भिचाव के कारण से उत्पन्न होता है। दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, एवं एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, या चढ़ते हैं या चढ़ जाते हैं, फैलाव घटता है। तो यहाँ ऐसे फैलाव नहीं हो रहा, यहाँ यूं हो रहा है, तो फैलाव जो क्या क्षेत्र वो घटता है।
इसे आरूढ़ भ्रंश, किसे उत्क्रम भ्रंश को ही आरूढ़ भ्रंश भी कहते हैं, या थ्रस्ट फॉल्ट ये भी किसको कहा जाता है, उत्क्रम भ्रंश को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब ये दोनों ही भ्रंश किसका निर्माण कर देते हैं, चाहे से सामान्य भ्रंश हो चाहे से उत्क्रम भ्रंश हो, ये किसका निर्माण करते हैं। देख लेते हैं कि दोनों ही भ्रंशों के द्वारा कगारों का, स्कार्पमेंट का निर्माण होता है। तो भ्रंशों के द्वारा किसका निर्माण होता है, कगारों का निर्माण होता है एकदम से, ठीक है। उदाहरण देखो आपको दे रखा है, पश्चिमी घाट कगार, भारत का पश्चिमी घाट कगार, तो एक भाग जो है वो ऊपर की तरफ है, नीचे एकदम से धसा हुआ है, बिल्कुल ये भाग खड़ा है, स्कार्पमेंट, ठीक है। तो भ्रंशों के द्वारा स्कार्पमेंट का निर्माण होता है। उदाहरण दिया, पश्चिमी घाट किसका उदाहरण है भाई, भ्रंश का उदाहरण है। विंध्यन कगार किसका उदाहरण है, भ्रंश का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर, यानी कि एक क्षेत्र है उसमें एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में हो, तो इसे क्या कहेंगे, सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से एक दिशा में ढाल हो, तो आप उसे क्या कहोगे, सोपानी भ्रंश। इसका उदाहरण है यूरोप की जो राइन घाटी है वो सोपानी भ्रंशों पर ही है। कहाँ की, यूरोप की जो राइन घाटी है, राइन नदी भी तो है ना, वो सोपानी भ्रंशों पर ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखिए, जब दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है, दो विपरीत दिशाओं से जब दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धसने या ऊपर उठने की बजाय आगे पीछे खिसकते होते हैं, खिसके हुए होते हैं, आगे पीछे खिसके हुए होते हैं। तो इस प्रकार जब वो खिसकते हैं तो इस प्रकार के भ्रंश को क्या कहते हैं, ट्रांसकरेंट भ्रंश कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके उदाहरण है कैलिफोर्निया का सन एंड्रियास भ्रंश, कैलिफोर्निया का सन एंड्रियास भ्रंश ट्रांसकरेंट भ्रंश का उदाहरण है। और जबकि हिमालय वाले, हिमालय में जो गढ़वाल उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र है ये भी, तो ये इसके उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि भ्रंश के फलस्वरूप उत्पन्न स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, जो मुख्य मुख्य स्थलाकृतियां हैं भ्रंश के द्वारा जो उत्पन्न हुई हैं उनको लेकर के बात कर लेते हैं। तो जो उत्पन्न स्थलाकृतियां हैं उसमें हम बात कर लेते हैं भ्रंश घाटी को लेकर के, जिसको रिप्ट घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रिप्ट वैली, रिप्ट घाटी या भ्रंश घाटी। देखिए इसमें क्या होता है, जब दो भ्रंश रेखाओं के, यानी भ्रंश तल या भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धस जाए, ठीक है, धस जाता है, तो किसका निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का, रिप्ट घाटी का निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है, ये पूछ इतनी सी लाइन देकर के पूछ भी लिया जाता है, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धस जाता है, किसकी ओर, नीचे की ओर धस जाता है। तो दो तल होते हैं भ्रंश के, फाल्ट के, उसके सारे दो साइडों के जो भाग हैं, भूखंड हैं, वो तो स्थिर रहे और बीच का भाग नीचे बैठ जाए। ऐसा क्यों होता है, तनाव बल के कारण दो भूखंड विपरीत दिशा में खिसकते हैं। अब जब वो दोनों भाग उसको छोड़ देंगे तो वो नीचे की तरफ ही बैठता है बीच का भाग। देखिए भ्रंश घाटियां लंबी, संकरी एवं गहरी होती हैं। कई बार यही होता है कि कुछ जो घाटियां हैं लंबी, संकरी एवं गहरी होती हैं, क्या कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए, एक तो भ्रंश घाटी भी, रिप्ट घाटी भी, और इसे जर्मनी भाषा में ग्रेबेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेबेन भी कहा जाता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार है कि एक भ्रंश तलिए, एक भ्रंश तलिए खिंचाव लगा विपरीत दिशा में ये भूखंड गए, तो ये जो बीच का भाग है इस प्रकार क्या करती, यहाँ भी बनी हुई है, ये बीच का भाग है नीचे की तरफ
खिसक जाता है या बैठ जाता है या नीचे की तरफ चला जाता है। तो तब क्या किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। अब देखिए ये जो भ्रंश घाटी है काफ़ी लंबी संकरी गहरी होती हैं, ये आपने सुना अभी। अब देखिए कि जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी समुद्र तल से भी नीचे है, यानी कि जॉर्डन की जो घाटी है वो किस प्रकार की है? भ्रंश घाटी है जो कि समुद्र तल से भी नीचे है। ठीक है, अब समुद्र तल तो यहाँ है, ये स्थलीय भागों पर है और ये फिर काफ़ी गहरे भाग हो जाते हैं, तो इस प्रकार से समुद्र तल से भी नीचे है। मृत सागर डेड सी झील इसी भ्रंश घाटी में स्थित है, किसमें? जॉर्डन जो भ्रंश घाटी है इसी में मृत सागर झील इसी भ्रंश घाटी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होती है, यानी जॉर्डन से तो प्रारंभ होती है और लाल सागर बेसिन से होते हुए अफ्रीका के जाम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर कुछ में ये 4800 किलोमीटर की लंबाई दी हुई है में विस्तृत है, जिसमें कौन कौन सी झीलें? देखो, न्यासा, रूडोलफ, टेगानिका, एल्बर्ट, एम एडवर्ड झीलें स्थित हैं। तो ये कौन सी भ्रंश घाटी में, ये सारी झीलें किस में स्थित हैं? ये भ्रंश घाटी में स्थित हैं ये सारी की सारी झीलें, इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। स्कॉटलैंड की जो मध्यवर्ती घाटी है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की जो खाड़ी है, भारत में नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ, ये सभी किस में हैं? भ्रंश घाटी में हैं। कैलिफोर्निया की जो मृत घाटी है वो भी भ्रंश घाटी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है रैंप घाटी। अब इस रैंप घाटी का निर्माण कैसे होता है कि जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ, यानी दो भ्रंश हैं उसके उसके बीच का जो स्तंभ है वो तो यथावत रहे, यथास्थिति में रहे, परंतु संपीडनात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं या उठ जाते हैं। और इस प्रकार का उदाहरण जो असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है ना, वो किसका है? रैंप घाटी का ही उदाहरण है। इसमें क्या है कि ये जो दोनों भाग हैं साइडों के, जो दोनों भूखंड हैं, ये ऊपर उठ जाते हैं, बीच का भाग यथास्थिति में ही रहता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस से जिस घाटी का निर्माण होता है उसे रैंप घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक पर्वत। इसमें आपको अगर देखेंगे तो एक जैसा ही आपको नज़र आएगा, अंतर बस थोड़ा सा ही है। इसमें क्या है, देखिए ब्लैक पर्वत में क्या होगा, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहता है लेकिन किनारे का जो भाग है या किनारे के जो स्तंभ हैं वो कहाँ? नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये जो स्तंभ हैं, ये जो भूखंड है, ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये भाग यथावत रहता है। तो इस प्रकार से जिसका निर्माण होता है उसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। तो इस प्रोसेस से अगर जिसका निर्माण हो रहा है उसे हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। इसमें होता क्या है, ये साइडों के भाग हैं, ये नीचे दाते हैं, बीच का भाग यथावत रहता है, तो ये अपने आप ऊपर दिखाई देने लग जाता है, ऐसे कोई ब्लॉक जैसा हो, तो इसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। यहाँ सतपुड़ा जो पर्वत है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं हॉस्ट पर्वत। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, बस ये ध्यान रखिएगा। हॉस्ट पर्वत में क्या होता है, जो दो भ्रंश तल होते हैं या किनारे जो होते हैं उनके जो स्तंभ हैं वो यथावत रहते हैं, किनारों वाले जो स्तंभ हैं वो यथावत रहते हैं एवं बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है, बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? हॉस्ट पर्वत। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ उदाहरण जो है वह है यूरोप का हॉर्ज पर्वत। अब इसमें अंतर कितना आया कि इसमें बीच का भाग जो है वो यथावत है, बाकी साइडों के जो भूखंड नीचे की तरफ आए, जबकि हॉस्ट पर्वत में क्या हुआ कि इसमें जो किनारे की स्तंभ है वो यथावत है, बीच का जो भाग है वो ऊपर उठा। तो इसमें थोड़ा सा इतना सा अंतर है, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अंतर ही पूछने पर ही हमारा जवाब गलत हो सकता है। तो आप इसको बड़े आराम से इन चीज़ों को देखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास के साथ दोबारा मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।